नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बसंत पंचमी है और आज के दिन सरस्वती माता की पूजा करी जाती है और सब लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग का भोजन करा जाता है। तो और आज मैं इस दिन स्पेशल बना रही हूँ मीठे चावल और मटर पुलाव, जिसकी रेसिपी इस प्रकार है। ये मैंने 4-5 काजू लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिया है और मैंने ये सूखे मसाले में मैंने लौंग ली है, काली मिर्ची ली है और जावित्री ली है। इलायची मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और ये नमक लिया है जो कि स्वाद के अनुसार डालना है। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने मटर लिया है, ये मैंने फूड कलर लिया है, ये मैंने चीनी ली है और ये मैंने गरम मसाला लिया है। ये चावल है जिनको कि मैंने बॉईल करके रख लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और रिफाइंड डाला था और खड़े मसाले डाले थे। ये अच्छे से गर्म हो गई है तो इसमें मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। इसमें मैं 1 बड़े चमचे के भर के मैंने जो है रिफाइंड डाला है। ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के जीरा डाल रही हूँ। अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसमें ये खड़ा मसाला डाल रही हूँ, ये काजू डाल रही हूँ, और अब ये इसमें मैं मटर डाल रही हूँ। इससे मीठापन कम होता है इसलिए मैं 1 चम्मच भर के चीनी डाल रही हूँ, जिससे मटर में मिठास आ जाए तो पुलाव बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। नमक डाल दूंगी, देखिए मटर के अंदर नमक का भी फ्लेवर आ गया है। तो है अच्छे से पक गई है तो इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी डाला है, अब मैं इसको जो हूँ अच्छे से गरम हो जाने दे रही हूँ, तेज आंच कर रखी है मैंने। अब इसमें जो है मैं ये चीनी डाल दे रही हूँ, 1 छोटी कटोरी मैंने चीनी ली है और 1 कटोरी मैंने पूरा भर के पानी लिया है, लेकिन इसमें मैं पूरी कटोरी भर के मैंने पानी डाल दिया। 1 छोटी कटोरी मैंने इसमें चीनी ली है, 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और जो ये हल्दी है इसमें मैं पानी मिला रही हूँ। देख जैसे कि देखिए ये चीनी जो है मेल्ट हो गई है बिल्कुल, ये देखिए मेल्ट हो गई और हल्दी जो मैंने इसमें डाली थी वो अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें मैं ये चावल डाल दूंगी, और ये ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई करके रखे थे ये डाल दूंगी मैं। चावल मीठे वाले अब बनके वो तैयार है, देखिए कितना प्यारा कलर आया है इनका। ये देखिए दोस्तों, मीठे चावल और मटर पुलाव दोनों बनके तैयार हैं। आज के दिन आप भी बनाइए और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करिए। और प्लीज फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों जल्दी से जाकर के ये रेसिपी ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी बनी है आपकी। बाय।